हेलो बच्चों, राधे राधे। सो आज हम आ गए हैं अपने क्लास 11 चैप्टर 1 यूनिट्स एंड मेजरमेंट लेक्चर नंबर 13। और जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था, ये लास्ट लेक्चर है और इसके बाद आपका ये चैप्टर एंड। तो चलिए इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं, दैट इज पैरेलेक्स मैथड। अब इस पैरेलेक्स मैथड को पहले समझने की कोशिश करते हैं कि ये पैरेलेक्स मैथड यूज कहाँ पे होता है। ठीक है, तो आपके स्क्रीन पे डेफिनेशन दिख रही होगी कि दिस मैथड इज टू मेजर द डिस्टेंस ऑफ हेवनली बॉडीज और ऑब्जेक्ट्स फार फ्रॉम अस। ठीक है, अब ये मेथड कहाँ पे यूज होता है? तो जैसे जो हमारे हेवनली बॉडीज यानी कि गैलेक्सी में हमारे स्टार्स हैं, उनके डिस्टेंस अर्थ से मेजर करने के लिए यूज किया जाता है इस मेथड को। बट बच्चों, ये मेथड काफी पुराना हो गया है, अब हम इस मेथड को यूज नहीं करते हैं। ये सिर्फ आपके सिलेबस में पढ़ने के लिए दिया हुआ है। ठीक है, अब जो हम मेथड यूज करते हैं वो अपने को पता है, हमें पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हम सिंपली भेज देते हैं जिनकी स्पीड 3 लाख किलोमीटर पर मिनट होती है ना, और 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, और फिर वो जाती है वहां पे, टकराती है, वहां से वापस आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और हम जस्ट हमें टाइम पता चल गया, हमें स्पीड पता है, हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। उसके पहले ये मेथड यूज किया जाता था, ये अप्रोक्स इक्वल आता था, एक्यूरेट तो नहीं होता था बट अप्रोक्स इक्वल था, बट फिर भी हम आज इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो, अगर आप अपने स्क्रीन पे सबसे लेफ्ट साइड में देख रहे होगे तो हमारा एक अर्थ है जिसका डायमीटर हमने देखा है ए बी। ठीक है, और हमने एक पॉइंट ए और बी, दो पॉइंट लिए हुए हैं। अब बच्चों, अगर आपने कभी बचपन में खेला होगा ना, तो आप ना बोर्ड पे या किसी बुक पे एक पॉइंट बना लेना, और पहले एक आंख बंद करके वो पॉइंट बनाना, और फिर उस पॉइंट पे एक हल्का सा फिंगर अपना रख के देखना, और फिर वापस दूसरा पॉइंट रखोगे ना, तो वो फिंगर आपकी या वो पॉइंट आपको जगह से हिला हुआ दिखेगा, वो पता चलेगा कि आपको वो पॉइंट उस जगह पे नहीं होगी, कहीं और पे है। ठीक है, अभी हमें क्यों पता है? क्योंकि हमारी दोनों आईज जो है वो आमने सामने होती हैं, और अलग अलग एंगल से एक ही ऑब्जेक्ट को देखती हैं। करेक्ट है, तो यही हम करते हैं। अर्थ की एक पोजीशन से पहले हम स्टार को देखते हैं, फिर डायमीटर पे जाके उसके ठीक सामने दूसरी पोजीशन पे जाके उस स्टार को देखते हैं, और जो एंगल होता है वो मेजरमेंट एंगल हमारा थीटा आ जाता है। अब आप देखो कि हमने अर्थ में से वो सिर्फ पर्टिकुलरली उस पोर्शन को बाहर निकाल लिया है, और चूंकि अर्थ का डायमीटर इतना बड़ा है कि वो जो आर्क और डायमीटर हम अप्रोक्स उसको इक्वल समझ सकते हैं। ठीक है, तो डायमीटर को हमने आर्क या डायमीटर को हमने डी से रिप्रेजेंट किया हुआ है, जो रेडियस है उसको एल से रिप्रेजेंट किया हुआ है, और थीटा जो है वो एंगल है हमारा, हमें थीटा पता है, मैथ में हमने ऑलरेडी पढ़ते आए हैं, थीटा इज इक्वल टू डी अपॉन एल या आर्क अपॉन रेडियस। यहां से हम एल निकाल लेंगे, एल की वैल्यू क्या हो जाएगी? दैट इज डी अपॉन थीटा। अच्छा बच्चों, यहाँ पे ना एक चीज बहुत ज्यादा ध्यान देने वाली है कि जो थीटा है ना आपका, वो ना तो डिग्री में है। अभी तक हम थीटा किस में पढ़ते हैं? सिर्फ डिग्री में पढ़ते आए हैं, लेकिन जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना, तो थीटा हमारा डिग्री में भी होता है, रेडियन में भी होता है, मिनट में भी होता है, सेकंड में भी होता है, बट यहाँ पे जो हमारा थीटा होगा ना, वो ऑलवेज रेडियन में होगा। सो थीटा इज ऑलवेज इन रेडियन। अब रेडियन में कैलकुलेट करने का जो बेसिक फॉर्मूला है वो क्या है? अगर आपको डिग्री दी हुई है तो डिग्री मल्टीप्लाइड बाई पाई अपॉन 180 कर दिया आपने, आपको थीटा मिल जाएगा, रेडियन में मिल जाएगा। अगर मिनट में एंगल दिया हुआ है तो मिनट अपॉन 60 इंटू पाई अपॉन 180, और अगर सेकंड में दिया हुआ है तो सेकंड अपॉन 3600 मल्टीप्लाइड बाई पाई अपॉन 80, एंड दैट्स इट। और इसी के साथ बच्चों, फाइनली हमारा ये चैप्टर यूनिट 1 जो है वो एंड होता है। 13 लेक्चर्स का यूनिट था, थोड़ा लेंदी था, बट मैंने लेक्चर्स काफी शॉर्ट करने की कोशिश करी है। अभी भी बच्चों, मैं बाद में आपको वापस से रिपीट करता हूं कि अगर कोई कंफ्यूजन है, कोई कैलकुलेशन आपको नहीं समझ में आ रही है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में एनसीईआरटी बुक का पेज नंबर या क्वेश्चन नंबर लिख के भेज सकते हो, या अगर आपके पास थोड़ा टाइम है तो आप क्वेश्चन एज इट इज टाइप करके कमेंट कर सकते हो, आपको उसके सॉल्यूशंस अपलोड करके मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए बच्चों, वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। थैंक यू, राधे राधे।